जगह हो जहाँ पे आप पुदीना या लेमन का कह लें पौधा उगा सकते हैं तो वो आप ज़रूर उगाइए। धो लें ताकि इससे हर तरह का कह लें कि केमिकल जो है वो उतर जाए। मोस्टली ऐसे ही होता है कि कीड़े मार। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि मैंने अपने बर्ड्स को बॉक्सेस लगाए हैं या नहीं लगाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करके फ़ोन कॉल करके पूछ रहे थे कि मैंने अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगा दिया है या कि नहीं, और इसके साथ साथ कि बर्ड्स को किस मौसम में ब्रीड पे लगाया जाए तो बर्ड्स के लिए अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में यही बातें आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आपने देखा ही होगा कि लाहौर में अभी तक जो है वो टेम्परेचर 35 से ऊपर ही है। कभी ऐसा भी होता है कि अगर धूप जो है वो तेज़ हो तो टेम्परेचर जो है 40-45 के करीब भी पहुंच जाता है। तो जब तक दोस्तों 30 और 35 के दरमियान टेम्परेचर नहीं आएगा तो तब तक मैं अपने बर्ड्स को बॉक्सेस नहीं लगाऊंगा। अभी तक बॉक्सेस की अगर बात की जाए तो मैंने अपने बर्ड्स को जिस बॉक्स में ब्रीड करवाना है वो बॉक्सेस अभी तक मैंने बनवाए ही नहीं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है और तकरीबन ये अक्टूबर की 10 से 15 तारीख तक शायद ऐसे ही रहे, क्योंकि बारिशें पहले तो बहुत ही ज़्यादा हुई हैं लेकिन अब बारिशों का सिलसिला भी जो है वो लाहौर में नहीं है। एकदम से बादल आते हैं लेकिन बारिश जो है वो इतनी खुल के नहीं हुई, जिस वजह से कह लें कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर, सूरज को आप देख के समझ ही सकते हैं कि किस कदर धूप होगी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। दोपहर के वक्त अभी भी मुझे कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कलोनीज़ की हालत जहाँ पे मैंने बर्ड्स को लगाना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कलोनियाँ अभी खाली हैं पड़ी, और ये रिंगनेक की है जहाँ पर मैंने रिंगनेक छोड़ा हुआ होता था। यहाँ पर अब मैं जो है सोच रहा हूँ कि इन दो कलोनीज़ में मैं अभी लव बर्ड्स की कलोनियाँ लगाऊँगा और यहाँ पर जो है लव बर्ड से ब्रीड लूँगा। तो इससे पहले इसे पेंट भी करना है और वाइट कलर का पेंट इस दफ़ा इसे मैं करूंगा। जैसे ही मैं इसे पेंट करूंगा तब भी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ मैं इसकी ज़रूर शेयर करूंगा कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया। और इसको पेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये जालियाँ जो हैं वो इन्हें जंग लग गया है, और अगर इसी तरीके से इसे जंग लगा रहा तो कह लें कि ये एक ही सीज़न में जो है ख़राब हो जाएंगी, और बरसात जैसे ही आएगी इनके ऊपर पानी लगेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे ये ख़त्म हो जाएगी। कह लें कि कलोनियाँ मुझे ख़त्म करनी पड़ेंगी या इसके ऊपर दोबारा जाली जो है वो लगानी पड़ेगी। इनको भी पेंट भी करना है, बॉक्सेस भी बनवाने हैं, काफ़ी काम है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ये सारा काम नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से मेरा ख़ुद भी दिल नहीं करता कोई काम करने को। और अगर ऐसी गर्मी में आप अपने बर्ड्स को पकड़ेंगे तो बर्ड्स का भी बुरा हाल हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये कलोनियाँ भी अभी खाली हैं और इसको इनको भी अभी पेंट करना जो है वो बाकी है। इनको पेंट अगर नहीं किया तो ये भी ख़राब हो जाएंगी, इनमें से बहुत सारी जाली ऐसी है जो कि ख़राब हो गई है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख ही रहे होंगे कि टूटना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये इससे पहले कि सारी जाली ही हाथ में आ जाए तो इसको रिपेयर करेंगे, इसको पेंट करेंगे, जहाँ जहाँ से टूटी हुई होगी वहाँ पर इसको दोबारा जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिछले साल के ही वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी इन्हें साफ़ भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं यहाँ पे पेयरिंग करूँगा तो आप दोस्तों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने शेड के अंदर, क्योंकि शेड के अंदर मैं इस वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ पर बर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, मेरी आवाज़ कम आएगी। तो आपसे पहले ही माजरत चाहता हूँ, शेड में जैसे जैसे मैं बोलूँगा तो बर्ड जो है वो और ज़्यादा ऊंची बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है पेयरिंग की हुई है ताकि बर्ड जो है वो बॉक्स लगाने से पहले सारे के सारे आपस में अटैच हो जाएं। तो जिस पेयर को मैंने बनाना था अपनी मर्ज़ी से उसे मैंने वन बाय वन छोड़ दिया, और जो पेयर मैं चाहता था कि वो खुद ही बन जाएँ उनको जो है मैंने ऐसे खुला हुआ छोड़ा है ताकि वो जिससे मर्ज़ी अपना पेयर बना लें
और मुझे किसी तरह की कोई भी मेहनत ना करनी पड़े और मेरी मेहनत जो है वो वर्ष बचाएँ और ख़ुद ही अपने पेड़ जो बनाते जाएँ। और इनको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर निशान लगाए हुए थे अल्बिनों को, और जैसे जैसे वो पेड़ बनते गए तो उनको मैं अलग करता गया। अभी ये पेड़ जो है वो कम्प्लीट हैं और ये पेड़ अभी जो हैं बनने वाले हैं। ये पट्ठे पट्ठियों से तैयार बर्ड्स हैं और इंशाल्लाह ये एक लंबे अरसे तक जो है वो फ़ायदा देंगे। और अभी बात कर ली जाए इस साइड की, तो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी बर्ड को कोई बॉक्स जो है वो नहीं लगाया। इसकी वजह यही है कि गर्मी की वजह से कह लें कि बर्ड्स का बुरा हाल है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी गर्मी में अपने बर्ड्स को तंग ना ही करूं, क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर आप अपने बर्ड्स को पकड़ेंगे पेयरिंग करने के लिए या इन्हें पकड़ के कलोनीज में छोड़ने के लिए या आप इनको वन बाय वन पेयर बनाने के लिए पकड़ेंगे तो बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लव बर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक आम सी बीमारी है, ये बर्ड सूख जाता है। और जब एक दफ़ा लव बर्ड सूख जाता है तो इसका फिर कोई हल नहीं होता। आप जो मर्ज़ी करते रहें इसका एक ही इलाज है और वो है मौत। और ऐसा बर्ड जो है वो बहुत ही मुश्किल के साथ रिकवर होता है। बल मेरे ख्याल में तो मेरे मतलब तजर्बे से ऐसा बर्ड नहीं गुजरा जो कि बहुत ही ज़्यादा सूख गया हो और उसके बाद जो है वो रिकवर हो जाए। तो अगर आपके तजर्बे से ऐसा कोई बर्ड गुजरा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपने इसको क्या चीज़ जो है वो यूज़ कराई जिससे आपका बर्ड जो है वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रिंगनेट जो है वो लगाए हुए हैं, ये अभी छोड़े हुए हैं फिल वक्त कह लें कि गर्मी की वजह से इन्हें इकट्ठा किया हुआ है। और ऊपर आपको बॉक्सेस जो है वो नज़र आ ही रहे होंगे, ये पिछले साल के बॉक्सेस उतार कर ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल अभी तक जो है वो नहीं किया। इंशाल्लाह अक्टूबर को देखेंगे, अक्टूबर का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा उम्मीद है कि मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह बॉक्सेस जो है वो लगाएंगे। तो अभी दोस्तों डालते हैं अपने बर्ड्स को, पुदीने का इस्तेमाल कराना है और साथ ही लूसन डालना है, तो आप मेरे साथ रहिए क्योंकि बर्ड्स इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गर्मी में आप अपने बर्ड्स को सब्ज़ियों का इस्तेमाल, कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल करा सकते हैं जिसमें कद्दू हो सकता है, गाजर हो सकती है, इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल करा सकते हैं, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करा सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल आप अपने बर्ड को करा सकते हैं जो बर्ड जो है वो शौक से खाए। और इसके साथ साथ अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी में तरबूज का इस्तेमाल भी कराएंगे अपने लव बर्ड को तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ इसे भी खाएँगे। तो अभी इसको डालते हैं दोस्तों पुदीना और लहसुन, आप मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों लूसन लेके आया था बर्ड्स को डालने के लिए। जब भी आप अपने बर्ड्स को लूसन डालें तो कोशिश करें कि आप इसे पानी से अच्छे तरीके से धो लें ताकि इसमें केमिकल्स का जो स्प्रे इन्होंने किया होता वो उतर जाए, अगर किया हो किसान ने तो। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको जब भी लूसन अपने बर्ड्स को देना है तो कोशिश करें कि लूसन को जो है वो अच्छे तरीके से धो लें ताकि इससे हर तरह का कह दें कि केमिकल जो है वो उतर जाए। मोस्टली ऐसे ही होता है कि कीड़े मारने के लिए स्प्रे जो है वो किसान करते हैं इनके ऊपर, तो जिस वजह से अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो आपके बर्ड्स को नुकसान भी हो सकता है, आपके बर्ड जो है वो एक्सपायर भी हो सकते हैं जब। तो दोस्तों आज मैं लूसन के साथ जो है पुदीने का इस्तेमाल भी कराऊंगा अपने बर्ड्स को। तो ये पुदीना आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये मैंने घर में उगाया हुआ है और फुली ऑर्गेनिक तरीके से, इस पर किसी तरह का कोई भी खाद या केमिकल का स्प्रे वगैरह नहीं किया। और आप देख सकते हैं इसकी सेहत भी माशाल्लाह पुदीने के काफ़ी अच्छी है। तो जितना मुझे चाहिए होता है इतना मैं यहाँ से जो है तोड़ लेता हूँ और अपने बर्ड्स को जो है वो यूज़ कराता हूँ इससे। अगर आपके पास भी अब घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप पुदीना या लेमन का कह लें पौधा उगा सकते हैं तो वो आप ज़रूर उगाइए, और बर्ड्स को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। और पुदीना वैसे भी ठंडा और कह लें कि हाजमेदार होता है। यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा है
पुदीने को उगाने के लिए दोस्तों आपको इसकी कह लें कि बहुत ज़्यादा गहराई में मिट्टी को वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको कह लें कि 1 से 2 इंच की लेयर हो जहाँ पे मिट्टी की, वहाँ पे भी आपका जो है पुदीना बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो सकता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक दफ़ा जब ये अपनी जड़ें बना लेता है तो उसके बाद ये कह लें कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है। तो जितनी भी मुझे ज़रूरत है उतना पुदीना मैं यहाँ से तोड़ लूँगा। मेरे ख़्याल से दोस्तों इतना पुदीना जो है वो काफ़ी है। और अब इसको धोएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने लेमन के कह लें के पौधे लगाए हैं, और माशाल्लाह ये फल से भरे हुए हैं। और जैसे ही ये कह लें के तैयार होंगे तो इनको भी पानी में डालकर जो है बर्ड्स को देंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पानी वाले बर्तन में एक फंगस से लग जाती है, तो वो भी लेमन के इस्तेमाल से नहीं लगेगी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लेमन जो है वो लगे हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ वहाँ जहाँ आपका दिल करता है वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।